जैन की खास पेशकश वार्षिक राशिफल साल 2021 में हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देहरादून के इस पवित्र स्थल टपकेश्वर मंदिर से आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मकर राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाला साल 2021 कितनी खुशियां लेकर आने वाला है, किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और कहां-कहां आपका भाग्य आपका साथ देगा और कितनी सफलता इस साल आपको मिलने वाली है, जानेंगे। हर पहलू पर बात करेंगे महेश शर्मा जी से। लेकिन आइए उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि शुभारंभ में मतलब शुरुआत में ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल किस ओर संकेत कर रही है। जी देखिए, ग्रह नक्षत्रों की चाल बताएं दर्शकों को, उससे पहले एक बार बता दें कि राशिफल हमारा चंद्रमा पर आधारित है। चंद्र राशि के हिसाब से हमें राशिफल बताते हैं। तो इस समय मकर राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है और शनि इनकी राशि में लगन में गुरु के साथ विराजमान रहेंगे। सेकेंड हाउस थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस में मंगल रहेंगे, पंचम भाव में इनके राहु हैं, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम नवम और दशम भाव इनके लिए खाली रहने वाला है। एकादश भाव में शुक्र और केतु की स्थिति बहुत ही बढ़िया है और बारहवें भाव में सूर्य और बुध है। तो साल की शुरुआत में ग्रह स्थिति इनकी बहुत अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहेगी, तो ये साल काम कारोबार के दृष्टिकोण से इनके लिए लाभकारी रहेगा, यादगार साबित होने वाला है। लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, खासकर जुलाई तक। जुलाई के बाद सेहत में भी सुधार होगा, सब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाला साबित होगा। कार्य व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी, आपको धन लाभ भी होगा और वैवाहिक सुख भी होंगे। यानी कि सक्सेस का एक कंप्लीट पैकेज इस साल आपको मिलने वाला है। आइए शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ कि आपकी सेहत कैसी रहेगी इस साल, विस्तार से जानते हैं महेश जी से। देखिए, स्वास्थ्य जैसे बोला कि छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी, चाहे कमर में दर्द की शिकायत हो, धंधा जुकाम हो, कफ कोल्ड हो, ये आपको इस साल थोड़ा परेशान करेंगी और ख़ासकर जुलाई तक ये छुटपुट बीमारियाँ आपको परेशान करती रहेंगी। 15 जुलाई के बाद से समय आपका अच्छा जाएगा, इस तरह की समस्याओं का आपको कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों को किडनी में कोई संबंधित शिकायत है, किडनी स्टोन है, इस तरह की समस्या, उनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा जी। इसके अलावा जुलाई 15 जुलाई के बाद से आपकी सेहत धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर कोई ऐसी परेशानी साल के अंत तक होती हुई नहीं दिखाई देगी। महेंद्र जी, जैसे कि सामने देखा ना, 2020 में बच्चों की कुछ पढ़ाई तो हो नहीं पाई, पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर उनका वेस्ट हो गया। अब उम्मीद है कि 2021 में बच्चों के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट्स के शिक्षा की बात करें, शिक्षा परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है मकर राशि वालों को, और शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए करियर का समय बहुत अच्छा रहेगा, खासकर फरवरी के बाद से। 15 फरवरी के बाद से आपके करियर में 4 चांद लग सकते हैं, नई नौकरी का योग बनेगा स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी भी पढ़ाई कम्प्लीट हुई है या जो लोग काफ़ी समय से इस समय स्टूडेंट्स को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनको भी सफलता मिलेगी, उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आगामी परीक्षा में आपके मार्क्स भी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय स्टूडेंट्स के लिए रहेगा मकर राशि। महेंगे, जो लोग हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने की सोच रहे, तो उनके लिए कौन सा महीना बेस्ट रहेगा? देखिए, उनके लिए फरवरी के बाद का माह कोई भी माह बड़ा अच्छा रहेगा, उसके बाद अगर वो जाते हैं तो बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे, एडमिशन भी होगा और काफ़ी कुछ उनके लिए पॉजिटिव भी रहेगी वो शिक्षा ग्रहण करने। चलिए, ये तो हमने बात की स्टूडेंट्स की, और अब बात करते हैं कि मकर राशि वाले जातक जो कि जॉब्स में है और जिनका अपना खुद का बिजनेस है, तो खास तौर पे कामकाज कैसा रहेगा उनके लिए इस साल? देखिए, कामकाज के दृष्टिकोण से तो आपके एक नया आयाम साबित करेंगे, आप झंडे गाड़ने वाले हैं, धन लाभ भी होगा, कार्य व्यवसाय में आपको अच्छी तरक्की मिलती भी नजर आ रही है जी। तो इस समय अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा, व्यवसाय में भी आपको अच्छी तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है, ऑफिस में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, इस समय बॉस भी आपके कार्य से बड़े प्रभावित होंगे और आपको कोई बहुत अच्छा बोनस या कोई बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा जी। कुल मिला के समय आपके लिए फ़ायदेमंद
साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी व्यवसाय में कोई भी परेशानी इस वर्ष आपको कम से कम नहीं रहेगी। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो भी फरवरी से समय शुरू हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि लव रिलेशनशिप लाइफ इनके लिए कैसी रहेगी, इनके इनके पार्टनर के साथ कैसे बनेगी और के लोगों की जिंदगी में उनको उनका प्यार मिलने वाला है। देखिए लव रिलेशनशिप का समय बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों में मजबूती आती भी नजर आ रही है। 20 के मुकाबले 21 ही साबित होने वाला है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है और प्रेम संबंध बनेंगे नए, वैवाहिक सुख भोगेंगे, विवाह के योग बनेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मैं ये क्या लगता है ओवरऑल कैसा रहेगा लोगों के लिए? देखिए ओवरऑल ये समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि जीवन साथी की सेहत शनि के कारण थोड़ी ख़राब हो सकती है, उनकी सेहत का आप ध्यान रखें, तो इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। मैं ये अगर बात करें हम इनके फाइनेंशियल लाइफ की तो आर्थिक पक्ष का कितना मजबूत रहने वाला है? देखिए आर्थिक पक्ष बहुत ज़बरदस्त इनको लाभ देगा क्योंकि इनका शनि बहुत मजबूत है और बुध की स्थिति बहुत मजबूत है, शुक्र बहुत मजबूत है और मंगल भी, तो आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही अच्छी रहेगी। धन लाभ होगा, पूरे वर्ष ही आपको धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर अगर मैं एक दो महीने की बात छोड़ दूं, जैसे जुलाई और उधर नवंबर का महीना है, इसमें थोड़ा सा आपको आर्थिक लाभ मिला जुला रहेगा महीना। ओवरऑल आपके लिए धन लाभ कमाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही प्रॉफिटेबल ये टाइम आपके लिए रहने वाला है। चलिए ये तो हमने अभी तक महेश्वर जी से जाना है कि आपकी हेल्थ, आपके लव रिलेशनशिप्स, स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के जॉब्स और बिजनेस को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि आपका फाइनेंशियल लाइफ आपकी इस साल कैसी रहेगी। ये भी बताया मयंक शर्मा जी ने कि मयंक जी कि इनका भाग्य इनका कितना साथ देगा। देखिए भाग्य इनका काफ़ी साथ देता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी कुंडली में भाग्य का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य के साथ राजयोग बना के बैठा है। लग्न में शनि भी भाग्यशाली योग बनाता है तो भाग्य इनका 90% इनके साथ रहेगा, बहुत ही अच्छा समय इनका रहेगा। भाग्य पूर्ण साथ देगा, किसी कार्य में कोई रुकावट नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई नए साल में 90% लक आपके साथ है, बस आपको कर्म करना है, उसके बाद आप सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। महंगे मैं ही जाते जाते जानना चाहती हूँ कि क्या सावधानी आपको लगता है कि इन लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए इन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वैसे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही ये साल आपके लिए थोड़ा वीक रह रहा है, बाकी किसी और दृष्टिकोण से कोई कमी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन शनि जब मकर राशि में होते हैं तो कभी कभी कर्क राशि को देखते हैं, आपको क्या रहेगा, आपको कभी कभी मन में आलस्य, शरीर में आलस्य रहेगा, उस चीज़ से आपको बचना है। आलस्य के कारण हम आशा काम आप कल पे मत डालिए, ये करना आपको महंगा साबित होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे में इनके मित्र राशि और शत्रु राशि क्या कहती है? लेकिन इनकी मित्र राशि वृषभ राशि, कर्क राशि और कन्या राशि इनकी मित्र राशि कहलाई जाएंगी। और अगर बात करें धनु राशि से इनको थोड़ा बच के चलना चाहिए, सिंह राशि से और वृषभ राशि, माफ कीजिएगा मिथुन राशि जी। जाते जाते मैं जी आपको लगता है कोई उपाय जो इन लोगों को करना चाहिए? देखिए इनको इस समय उपाय ये करना चाहिए कि सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप क्या करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाइए, बुधवार के दिन विशेष लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे दूध दही चावल का दान करें, सफ़ेद रुमाल का भी दान कर सकते हैं। अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाएंगे तो घर में पॉजिटिविटी रहेगी और आपका मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। चलिए तो ये तो हमने आज महेश्वर मंदिर से जाना देहरादून के तपकेश्वर मंदिर की, भाई आखिरकार नया साल आपके लिए पूरी तरह से कैसा रहने वाला है, एक ओवरऑल एक ऐसा पैकेज है कि जहाँ इन्हें सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, खासतौर पर मकर राशि वाले जातकों के लिए, बस थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये पवित्र स्थल है और यहाँ से हमने आपके आपका वार्षिक राशि पर लेकर आए हैं। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा, कोई भी सुझाव हो प्लीज़ दीजिए ताकि हम उन सुझावों को अपने आने वाले कार्यक्रमों में अमल कर सकें। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा अपने आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है नए साल को लेकर, या घर के वास्तु से, ऑफिस के वास्तु से कुछ भी पूछना है, जानना है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप
डायरेक्ट महेश्वर जी से संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप इनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त और नए साल की आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।